नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे रूस की, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बगावत करने वाले वैगनार के प्रमुख, उसके मुखिया की एक प्लेन हादसे में मौत हो गई। दरअसल वैगनार ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के खिलाफ 2 महीने पहले यानी कि जून के आखिरी में 23-24 जून के आसपास बगावती का ऐलान कर दिया था, और इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और वैगनार चीफ के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। कुछ जो विवाद था वो उनके बीच चल रहा था, लेकिन एक विमान दुर्घटना में प्रिगोजिन की मौत हो गई। इस निजी विमान में 3 क्रू मेंबर समेत कुल 10 लोग सवार थे। ये विमान निजी सैन्य कंपनी वैगनार ग्रुप के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन का ही था, यानी कि एक निजी विमान था जिसमें वो सफ़र कर रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त निजी विमान में 3 पायलट और 7 यात्री सवार थे, जिनमें सभी की मौत हो चुकी है। इन 10 लोगों की जान जा चुकी है। विमान मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, और राजधानी मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर त्वेर क्षेत्र में ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इन सभी लोगों की जान चली गई। वहीं प्रिगोजिन की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जो बाइडेन ने कहा कि रूस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसकी जानकारी व्लादिमीर पुतिन को ना हो। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्लेन हादसे में हुई वैगनार चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर कहा है। उन्होंने ये बोला कि वो इस खबर से हैरान नहीं है, क्योंकि रूस में व्लादिमीर पुतिन के इच्छा के बिना, उनकी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक प्रिगोजिन के निजी विमान के हादसे का शिकार हो जाने के बारे में बाइडेन को जानकारी मिली थी, जिसके बाद जो बाइडेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अब अगली खबर कैलिफोर्निया से, जहां अंधाधुंध फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के ट्रैबुको कैनियन शहर में दरअसल ये गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में मरने वालों में हमलावर भी शामिल है, जिसने ये अंधाधुंध फायरिंग की उसकी भी जान चली गई। घटना के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस इस हमले की जांच में जुटी है कि आखिर ये हमलावर कौन था, किस मकसद से इसने गोलीबारी की जिसकी इस हादसे में जान चली गई, साथ ही साथ 5 लोगों की भी जान गई है। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां जॉर्जिया चुनाव घोटाले में फंसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील रुडोल्फ ग्यूलियानी ने अटलांटा जेल में सरेंडर किया है। रुडोल्फ पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के बारे में झूठे बयान देने का आरोप है। आपको बता दें कि ट्रंप के 4 और साथी वकील जेना एलिस, सिडनी पॉवेल, केनेथ चेस्प्रो और रे स्मिथ ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि ट्रंप के पूर्व वकील जॉन ईस्टमैन और रिपब्लिकन पोल पर नजर रखने वाले स्कॉट हॉल मंगलवार को ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये पूरा मामला जॉर्जिया चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2020 में जॉर्जिया में चुनाव थे, जिसके नतीजों को बदलने का आरोप पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा है। और अब अगली खबर है चाइना से, जहां हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल चाइना के तिब्बत में बच्चों को उनके परिवार से अलग किया जा रहा है। तिब्बत में रहने वाले बच्चों को उनके परिवार से अलग किया जा रहा है, जिसके पीछे जो मकसद सरकार ने बताया है वो जानकर आप बेहद चौंक जाएंगे। सरकार के जरिए ऑपरेट होने वाली बोर्डिंग स्कूलों में इन बच्चों को दरअसल भेजा जा रहा है। इसके पीछे का मकसद तिब्बती संस्कृति को खत्म कर आने वाली पीढ़ी को चीन की हान संस्कृति से जोड़ना है। अमेरिका ने चीन की इस हरकत पर उसको सजा देने की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि किसी भी सूरत हाल में बच्चों को उनके परिवार से जुदा करना, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां तोशखाना मामले में 3 साल की सजा काट रहे इमरान खान को बेल मिल सकती है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को बेल नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह उन्हें राहत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि खान को गलत तरीके से सजा दी गई। अगर इमरान खान जेल से बाहर भी आते हैं तो भी वो घर नहीं जा सकेंगे, और इसकी वजह यह है कि 2 जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। एक मामला सीक्रेट लेटर का है, तो वहीं दूसरा फौजी ठिकानों पर हमले से जुड़ा हुआ है। लेकिन खबर जो बड़ी है वो ये कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बेल मिल सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।